हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिव विद मंदिरा। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज बड़े दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ, तो आज मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ, छोले भटूरे की रेसिपी। सही में बहुत ही इजी है, ज़रूर ट्राई करिएगा वीकेंड पे, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की ओर। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे तो प्लीज़ डू कंसीडर एज सब्सक्राइबिंग इट, इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो यहाँ पे मैंने छोलों को ना रात में ही भिगो के रख दिया था एक दिन पहले। अगर मैं दोपहर में बना रही हूँ तो मैं रात में ही भिगो के रखी थी। अगर आपको शाम में बनाना है तो आप सुबह भी भिगो के रख सकते हैं। 7 to 8 hours उसे पानी में भिगो के रख दीजिए, बाद में अच्छी तरह से पानी में वॉश कर लीजिए और प्रेशर कुकर में डाल के हम उसे प्रेशर कुक कर लेंगे। मैंने यहाँ पे जितना छोले था उसे डबल क्वांटिटी में वाटर यूज़ किया है। यहाँ पे आप अपना छोलों के मेजरमेंट के हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा डालिए, ज़्यादा मत डालिए, बस ध्यान रखिएगा आप कितना डाले हैं इसके अंदर नमक। तो नमक ऐड करने के बाद हम करते हैं यहाँ पे एक पोटली रेडी, जो हम प्रेशर कुक करते समय यूज़ करेंगे। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा खड़े मसाले जैसे लवंग, दालचीनी, पेपर और बे लीव्स और चाय पत्ती। हाँ जी, यहाँ पे मैंने 1 spoon ऑफ चाय पत्ती ली है, जिससे जो कलर आता है ना चाय पत्ती का कलर, वो छोलों को लग जाए। बस मैं यहाँ पे छोटे से एक पोटली बना के रेडी कर रही हूँ। अगर आपके पास वो स्टील का जो छलनी रहता है वो रहा तो वो भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसके अंदर मैं कुकर के अंदर मैं ये पोटली डाल के रेडी रखती हूँ, और साथ ही मैं डालूँगी थोड़ा सा अदरक एंड थोड़ा सा लहसुन। बस थोड़ा सा दरारा कूट लीजिए, कूट करके आप उस कुकर के अंदर डाल दीजिए। और हाँ, मैं यहाँ पे पिंच ऑफ सोडा भी डाली हूँ कुकर में। तो पता नहीं, वो जो वीडियो क्लिप थी वो मेरी डिलीट हो गई है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पिंच ऑफ सोडा ऐड कर दीजिए प्रेशर कुक गैस के ऊपर चढ़ाने से पहले। मैं यहाँ पे ना 4 to 5 प्रेशर ली हूँ ऑन मीडियम फ्लेम, सो दैट जो छोले हैं अच्छी तरह से गल जाए। तो अभी छोलों को रख देते हैं साइड में। तो यहाँ पे मैं ली हूँ एक बाउल, उसके अंदर ऐड करी हूँ 2 tablespoons ऑफ रवा, और उसे अच्छी तरह से पानी में सोख करके 15 to 20 minutes आप रख दीजिए रेस्टिंग पीरियड पे। ये है ना, हम भटूरे बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसको अच्छी तरह से 15 to 20 minutes आप साइड में रख दीजिए। तो चलिए हम भटूरे की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 cup ऑफ मैदा। तो मैदे को अच्छी तरह से आप छान लीजिए, ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसे मत स्किप करिएगा। तो अभी इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालना ही कंपलसरी है, नहीं तो वो फूलेगा नहीं। बाद में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 to 3 tablespoons ऑफ ऑयल। ऑयल के प्लेस में आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड है। बाद में मैं इसके अंदर जो रवा हमने सोख करके रखा हुआ था उसे ऐड कर दूंगी। अब अपने हाथों से अच्छी तरह से आटे को मसल लीजिए, नमक बोलिए या सोडा या रवा ऑयल जो भी हमने ऐड किया था ना, उसको अच्छी तरह से एक ही लेवल में आप मसल लीजिए। बाद में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 cup ऑफ कर्ड। हाँ जी, हम कर्ड बना के आज भटूरे बनाने वाले हैं। अगर आपको चाहिए तो आप ईस्ट डाल के भी बना सकते हैं, बट कभी कर्ड डाल के भी बना लीजिए, ये भी बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। तो कर्ड डाल के इसको भी ना अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए, गूंदने की ट्राई करिए। पानी अभी भी ऐड मत करिएगा, जितना मॉइस्चर ऑलरेडी है कर्ड से और जो रवा के वजह से, उसे आप अच्छी तरह से गूंद लीजिए। अभी इस स्टेज पे मैं पानी यूज़ कर रही हूँ। पानी ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा देख के ऐड करिए, कोई मेजरमेंट नहीं है कि आपको इतना ही पानी ऐड करना है, तो आप ध्यान में रख के धीरे धीरे पानी ऐड करके आटे को गूंद लीजिए। जितना आपके पास ताकत है उतना सारा ताकत लगा लीजिए और इस डो को रेडी कर लीजिए।
जितना आप अच्छी तरह से भूनेंगे ना तो उतना ही भटूरे हल्के और सॉफ्ट और प्लफी बनेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे आटा रेडी हो चुका है, मेरा तो सारा ताकत निकल गया इसमें। तो हम अभी इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे और 2 to 3 hours इसे रेस्टिंग पीरियड रख देंगे। अगर आप दोपहर में बना रहे हो तो भटूरे आप सुबह जल्दी उठते ही काम स्टार्ट करने से पहले आप ये आटा रेडी करके रख दीजिए। इट विल टेक इनफ टाइम, इसे इनफ टाइम मिल जाएगा तो इजी हो जाएगा। साइड वैसे आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ग्रीस कर दिया है, बस मैं यहाँ इसके लिए अभी से रेस्टिंग पीरियड रख दूँगी। तो छोले बनाने के लिए हमें चाहिए, यहाँ पे मैंने 3 medium size ऑफ फाइनली चॉप अनियन लिया है, 4 tomato puree रेडी करके रखा है और अदरक लहसुन कूट के मैंने यहाँ पे रेडी करके रखा है। तो तब तक हम लोग अपने छोले भी देख लेते हैं। प्रेशर कुक हो चुका है और जो मैंने वो जो पोटली रखा हुआ था ना मसालों का, उसे भी थोड़ा सा निचोड़ के उसे भी निकाल के मैं साइड में रख दूँगी। अब देख सकते हैं यहाँ पे छोलों को भी कलर बहुत ही अच्छी तरह से निकल के आया है। तो चलिए एक छोला लेके देखते हैं स्मैश हो करके। हाँ, अच्छी तरह से पक चुका है, इट्स परफेक्टली कुक। तो अभी हम इसकी ग्रेवी की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बनाते हैं छोले। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में 2 to 3 tablespoons ऑफ ऑयल ऐड किया है। ऑयल को अच्छी तरह से आप गरम होने दीजिए, गरम होते ही आप इसके अंदर ऐड करिए 1/2 tablespoon ऑफ जीरा। जीरा को भी अच्छी तरह से क्रैकल होने तक आप उसे रख दीजिए मीडियम लो फ्लेम पे। बाद में ऐड करिए अदरक लहसुन का जो हमने दरदरा कूट के रेडी रखा था, उसे ऐड कर लीजिए। मैंने गैस का फ्लेम हाई ही रखा है, बस जो रॉ स्मेल रहता है अदरक और लहसुन का वो निकल जाए, तब तक आप उसे भून लीजिए। अब स्टेज पे आप ऐड कर दीजिए फाइनली चॉप अनियन और गैस लो फ्लेम पे ही रखिएगा, हाई फ्लेम पे मत रखिएगा अभी। अब अच्छी तरह से अनियन अदरक लहसुन और ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, लो फ्लेम पे ही रखिएगा, ध्यान रखिएगा वरना क्या हो जाएगा, अनियन जल जाएगा और जो कड़वापन निकल के आएगा छोले में वो तो बात अलग ही है। तो ध्यान रखिएगा आप गैस लो फ्लेम पे रखी है, गिव इनफ टाइम फॉर द अनियन टू गेट स्मैशली कुक्ड। अनियन तो अपना ओन टाइम लेगा जी पकने के लिए, तो आप उसको हड़बड़ी में पकाइएगा मत। और छोले भटूरे जो ये रेसिपी है ना वो वीकेंड में ही बनना चाहिए, वीकडेज में क्या होता है ना गड़बड़ होती है, टाइम नहीं रहता है, बहुत सारे अदर काम रहते हैं। तो वीकेंड में ज़रूर ट्राई करिएगा, तो क्योंकि ये टाइम लेता है भाई, टाइम लेके बनाने वाली रेसिपी है तभी तो टेस्ट आएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए अनियन भी मेरा अच्छी तरह से सॉफ्ट कुक हो रहा है। अब इस एज पे हम ऐड करेंगे छोले भटूरे गरम मसाला। मैं मार्केट से रेडी लेके आई थी छोले भटूरे मसाला, जो पैकेट में मिलता है वही ली हूँ। 3 tablespoons ऑफ छोले भटूरे मसाला मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अगर आपको बनाना है तो घर में आप बना भी सकते हो अपने गरम मसाले और छोले भटूरे मसालों के साथ। ये बाकी सभी खड़े मसाले ही है, जो मेरे घर में तो ये रेडीमेड पैकेट था, मैं यही यूज़ की हूँ। अगर आपको मसाला जानना है तो डू कमेंट, श्योर मैं नेक्स्ट वीडियो में उस मसालों का भी रेसिपी लेके आऊँगी। तो अभी इस मसालों को भी अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए अनियन के साथ ऑन अ लो फ्लेम ओनली। तो अब मसाला डाल के ज़्यादा फ्राई मत करिएगा, 2 to 3 minutes hardly आप फ्राई कर लीजिए या मिक्स कर लीजिए अनियन के साथ। तुरंत ही आपको ऐड करना है टोमेटो का पेस्ट। क्या होता है ना, हम ये जो गरम मसाला है ना ऑलरेडी भुना हुआ रहता है, ये ऑलरेडी भून के फ्राई होके ही पीस के आता है। अगर आप ज़्यादा उसे फ्राई करोगे, आप ज़्यादा उसे भून लोगे तो क्या हो जाता है, कड़वापन आ जाता है। आप कई बार देखे होंगे आपका मसाला ना कड़वापन रहता है, कड़वा लगने लगता है, यहाँ ज़्यादा मसाला हो गया। ज़्यादा मसाला नहीं हो गया, वो एक्चुअली बहुत भुना जाता है, बहुत ही ओवर कुक हो जाता है जब मसाला, तब कड़वा लगने लगता है। तो आप अगर टोमेटो डाल दीजिए, टोमेटो डाल के बाद 2 minutes के लिए इसे भी लो फ्लेम पे ही कुक होने के लिए आप रख दीजिए।
अब 2 to 3 minutes के बाद लिड निकाल के चेक करते लीजिए, क्योंकि मैंने कहा ना ज़्यादा आप भूनोगे तो मसाला जो ग्रेवी है वो कड़वी हो जाएगी। तो इस स्टेज पे आप क्या करिए, अगर आपको लगा कि आपका मसाला अभी थोड़ा सा कुक होना बाकी है तो आप इसके अंदर ऐड करिए जो छोले का पानी हमने निकाल के रखा है ना, दो जो छोले हम कुक करने के लिए रखे हुए थे कुकर में पानी के साथ, तो वो पानी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको वो पानी ऐड नहीं करना है तो आप नॉर्मल वाटर भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा वॉर्म वाटर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने वो छोलों का पानी ही इसके अंदर ऐड करके बस और एक 2 minutes के लिए मैं इसे धीमे आंच पे रख दूँगी। तो साइड बाय साइड आप यहाँ पे देखिए, मैंने छोलों को अलग से निकाल के रखा है और जो पानी बचा हुआ था उसे भी मैंने अलग करा है। इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, ये पानी हमें कुकिंग के टाइम पे यूज़ होगा, तो मैंने इसे सेपरेटली करके यहाँ पे रेडी रख दिया है। तब तक मैं यहाँ पे मसाला देख लीजिए, मसाला भी हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पर रेडी है। तो अभी इस स्टेज के अंदर हम ऐड करेंगे नमक। ध्यान रखिएगा छोले कुक करते समय भी आप नमक ऐड करिए थे, तो देख के बैलेंस करके आप नमक ऐड करें इन मसालों के अंदर। मैं तो जितना मसाला है उस मसाले के हिसाब से ही मैं नमक ऐड कर रही हूँ। बाद में आप इसके अंदर फाइनल स्टेज पे ऐड कर दीजिए छोले जो हमने साइड रखा हुआ था। छोले अच्छी तरह से डाल के आप एक बार मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर ऐड कर दीजिए जो पानी हमने साइड में निकाल के रखा हुआ था ना, जो छोले का पानी वो ऐड कर दीजिए। ये पानी ऐड करने से ही आपके छोलों को कलर आएगी। अगर आपको ये वाटर यूज़ नहीं करना है तो आप सादा पानी भी यूज़ कर सकते हैं, वॉर्म वाटर, बट कलर नहीं आएगा भाई। कलर चाहिए तो आपको वही वाला पानी यूज़ करना चाहिए, सो दैट नो ग्रेवी ठीक लगती है और अच्छा कलर भी दिख के आता है। छोले और पानी ऐड करने के बाद एक हाई फ्लेम पे आप उसको एक बॉईल लाने दीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिड लगा दिया है और हाई फ्लेम पे ही रखा है गैस। ध्यान रखिएगा बस 2-3 minutes के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी तरह से बॉईल आ चुका है छोलों को। बाद में इसके अंदर ऐड करें एक 1/2 tablespoon ऑफ छोले मसाला जो हमने पहले ऐड किया था। बस यहाँ पे 1/2 tablespoon to 1 tablespoon ऑफ गरम मसाला ऐड कर दीजिए, क्योंकि मसालों के बाद हम छोले ऐड करते हैं, छोले के बाद हम पानी ऐड कर देते हैं, तो ना स्वाद में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। अब अगर आप ऐसे गरम मसाला ऊपर से दे दोगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो इसको है ना अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा जो साइड में जो कढ़ाई में साइड में लगी हुई रहती है उसे भी आप ले लीजिए, बिकॉज एक्चुअली उसी में स्वाद रहता है। यहाँ पे इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी ना, छोलों को ना स्मैश करूँगी स्पून से, हाथों से स्मैश कर लूँगी थोड़ा थोड़ा ऐसे। कोई लोग कहते हैं कि मिक्सर कर लीजिए, थोड़े छोले मिक्सर कर लेते हैं, थोड़े छोले ऐसे ही छोड़ देते जी, ऐसे मत करिएगा। स्पून से ही हल्के हाथों से आप थोड़ा सा स्मैश कर दीजिए, कलर भी अच्छा आएगा, स्वाद भी अच्छा आएगा और थिक भी लगेगी ग्रेवी। तो इस तरह से, तो अभी 5 minutes के लिए ऑन अ लो फ्लेम पे आप छोलों को रख दीजिए लीड लगा के, बस रेडी टू ईट नाउ। 5 minutes के लिए लो फ्लेम पे आप रख दीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं भटूरे की तैयारी। तो देखते हैं यहाँ पे भटूरा मेरा क्या कहता है। डव तो परफेक्ट है, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए बेलते हैं भटूरे और बनाते हैं भटूरे। तो यहाँ पे मैंने जो चकला रहता है ना, बेलन और चकला है ना, इसको ना थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया है, सो इट विल बी इजी टू बेल के लिए इजी हो जाएगा।
तो इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया है। ऑयल ग्रीस करके एक मैंने छोटा सा पेड़ा लिया है और बेलना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको चाहिए तो थोड़े लोग राउंड भी बनाते हैं, थोड़े लंबे भी बनाते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, आपको जिस शेप में बनाना है आप बना लीजिए। ध्यान में रखिएगा ऑयल थोड़ा सा गर्म रहता है, ध्यान रख के आप भटूरों को निकाल लीजिए। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है, डू ट्राई गाइस। अमृतसर छोले भटूरे रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी करिए। हाँ, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ डू कंसिडर है सब्सक्राइबिंग, इट मोटिवेट्स मी टू कंटिन्यू माई वीडियो। सो सर्व कीजिए विद अनियन एंड लेमन के साथ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट। सी यू ऑल टुमारो विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू कंटेंट। टिल देन टेक केयर, बाय।